हाँ देखो, अब आरकेईज में क्या चीज होती है, पहले आप आरकेईज में समझो। देखो आरकेईज या इज्म पहले छोड़ो, इज्म अगर जो कहीं भी लगा मिल जाएगा तो वो एक टाइप से जो है कुछ ऐसी टेंडेंसी होती है जो पर्टिकुलर आदमी उसी को फॉलो करता है। जैसे कास्टिज्म, तो उसमें कास्ट के आधार पर आप कोई निर्णय लेते हो। आपकी कास्ट का है तो आप उसके लिए जो है पोलाइट हो जाएंगे, आपकी कास्ट का नहीं है तो आप पोलाइट नहीं हो जाओगे। समझ रहे हैं? तो इज्म जहां भी लगा मिलेगा तो समझ लेना किसी पर्टिकुलर चीज की टेंडेंसी। अब जैसे इसमें क्या है, आर्केइज्म, इज्म लगा लास्ट में आपको मिला ISM, तो अब ये कोई ना कोई टेंडेंसी शो करेगा कि किसी न किसी चीज की टेंडेंसी पर्टिकुलर किसी के लिए टेंडेंसी शो करेगा, मतलब उस चीज पे फोकस ज्यादा किया जाएगा। अब आर्केइक का मतलब आपको समझना है, आर्केइक का मतलब जहां समझे आप, आर्केइज्म का मतलब आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म, समझ रहे हैं? या इससे बनने वाले जितने भी शब्द हैं सबकी मीनिंग आप इजिली समझ जाओगे। देखो आर्केइक का मतलब ये होता है, कोई चीज ऐसी है जैसे अभी जैसे धोती, धोती समझ रहे हैं आप, जो जेंट्स लोग गांव में धोती पहनते हैं, धोती को आप क्या बोलोगे, धोती को धोती ही बोलोगे, सफेद कलर की होती है, तो वो क्या है अभी प्रचलन से बाहर है। सपोज दैट, सपोज ये कर लो कि जैसे यंग एज में कोई उसको धोती नहीं पहन रहा है, ठीक, राजस्थान वान में छोड़ दिया जाए, तो अब वो क्या चीज है, अपने लोगों के टाइम के लिए आर्केइक चीज हो चुकी है। अगर जो उस कल्चर को मैं यहाँ करता हूँ, जैसे कोई मैरिज सेरेमनी होती है, मैं धोती पहन के वहां पहुंच जाता हूँ, या मैं अपने स्कूल में जो है कॉलेज में धोती पहन के पढ़ाने चला जाता हूँ, तो जो कोई देखेगा तो यही तो बोलेगा यार ये ओल्ड फैशन वाला आदमी है, उसकी टेंडेंसी यही रहेगी, ओल्ड फैशन वाला आदमी हमको बोलेगा। तो यही ओल्ड फैशन का जो है टेक्निकल नेम आर्केइज्म रख दिया गया है। कहने का मतलब जो आपके प्रचलन की चीज ना हो, आपके प्रचलन आपके समय के बहुत पहले वो चीज जो है यूज में हुआ करती थी, लेकिन अभी वो चीज यूज में नहीं है। अगर जो उस चीजों का आप समावेश वर्तमान समय में करते हैं तो वही आर्केइक जो है टाइप की चीज जो है मानी जाती है। अब जैसे ये तो हो गया धोती, ठीक। अब जैसे पुराने जमाने में आपने देखे होंगे तांबे के सिक्के चलते थे, एक दो सिक्के हमने देखे हैं, जैसे अपनी दादी वादी के पास वो सिक्के देखे हैं, या एक वो सिक्का चलता था कि जिसमें बीच में पूरा होल होता था, किनारे किनारे जस्ते के होते थे, बीच में पूरा होल होता था, तांबे के होते थे, एक पैसा, एक पैसा शायद आपने देखा हो, ठीक। तो ये सब सारी चीजें अगर जो मैं एक पैसा अभी उसको दिखा रहा हूँ या उसका यूज मैं कर रहा हूँ, दुकान पे ले जाके परचेजिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये सब सारा हमको जैसे वो आर्केटाइपिकल सिस्टम माना जाएगा कि मैं आर्केटाइप सिस्टम लगा रहा हूं, या आर्केटाइप में एलिमेंट यूज कर रहा हूं, समझ रहे हैं, या आर्केटाइप में क्वाइन यूज कर रहा हूं, या आर्केटाइप में जो है करेंसी यूज कर रहा हूं, ये आप इसको ऐसे बोल सकते हो। अब आप ये समझो कि आर्केइज्म क्या है। अब जैसे मुझे, मैंने एक लिटरेचर लिखा, मैंने एक कहानी लिखी, अपनी कहानी में मैंने ये वर्णन किया कि हम लोग फलाने के फंक्शन में गए थे, वहां हम लोग धोती पहन के गए थे। तो अब धोती हमारे जो है, जैसे अभी क्रिटिक होगा तो क्रिटिक क्या, क्रिटिक जो आर्केइज्म में जानने के लिए, आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म में जानने के लिए, जो क्रिटिक होगा पहली चीज तो उसको टेंडेंसी के बारे में पता हो, कि जैसे राइटर के एज के बारे में पता हो। अब जैसे शेक्सपियर हैं 1564 के हैं ये, ठीक, 1564 से लेके अब ये कितना 1616 तक गए हैं। तो अब जैसे क्रिटिक होगा ये निकाले, वो उसको ये निकालना है कि क्रिटिक को ये पता करना है कि शेक्सपियर के प्ले में कहाँ कहाँ आर्केटाइपिकल एलिमेंट यूज हुए हैं। तो अब वो क्या करेगा, पहली चीज तो उसको शेक्सपियर के समय की जानकारी होनी चाहिए कि शेक्सपियर के समय में क्या चीजें प्रचलन में थी, और शेक्सपियर के समय में क्या चीजें प्रचलन में नहीं थी, वो चीजें चाउसर के टाइम में थी, शेक्सपियर के टाइम में नहीं थी। इन दोनों चीजों का क्रिटिक को पता होना चाहिए, तभी वो जो है आर्केटाइप वाला काम कर सकता है। आर्केटाइपिकल क्रिटिक आप उसको बोल तभी बोल पाओगे। तो पहली चीज तो वो जो है चाउसर के पीरियड का उसको अध्ययन हो, दूसरी चीज शेक्सपियर के पीरियड का उसको अच्छे से अध्ययन हो। अब जैसे शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा, शेक्सपियर ने ड्रामे में अपने मान लो कि कोई एक परंपरा का जिक्र कर दिया दिखा करके, कि जो है जैसे मान लो 1564 में, या जो है मान लीजिए 1596 में, जैसे मर्चेंट ऑफ बेनिस, सपोज दैट, हालांकि मर्चेंट ऑफ बेनिस में इस टाइप का कोई जिक्र नहीं है, सपोज दैट उसने जैसे बताया
कोई ऐसी परंपरा का जो है निर्वाह, उसने जो है चीज अपनी जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में जिक्र कर दिया कि जो कि परंपरा एलिजाबेथन टाइम में नहीं होती थी, वो कब होती थी, चौसेरियन पीरियड में होती थी। या उसने कुछ ऐसे शब्द अपने जो है प्ले में यूज कर दिए कि जो एलिजाबेथन टाइम में यूज नहीं होते थे, वो चौसेरियन पीरियड में यूज होते थे, या और चाउसर के और जो पहले के पीरियड थे उनमें यूज होते थे। अब जो आर्केटाइपिकल टाइप का जो क्रिटिक होगा वो कहेगा कि अच्छा ये शब्द देखो शेक्सपियर के टाइम के प्रचलन के नहीं है, ये चौसर के पीरियड के थे, अब शेक्सपियर के टाइम में इस शब्द की जगह ये चीज यूज होता है। अब जैसे तुम धोती की जगह क्या यूज करते हो, पैंट शर्ट यूज करते हो, अब धोती में अगर जो यूज किया तो वो आर्केटाइप वाला हिसाब किताब माना जाएगा। तो अगर जो चाउसर का कोई शब्द है अभी जो प्रचलन में नहीं है, मैं उसको यूज करता हूँ, मतलब मैं एक मतलब जैसे शेक्सपियर उसको यूज करता है, तो आर्केटाइपिकल वर्ड माना जाएगा। अगर जो जैसे चाउसर के समय का कोई शब्द है, एलिजाबेथन समय में भी वो प्रचलन में है, शेक्सपियर ने उसको यूज किया, तो आर्केटाइपिकल वर्ड नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई सबको, आर्केटाइप क्या चीज होती है, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है? आप इसको समझ पा रहे हैं, जी सर आर्केटाइप आप समझ रहे हैं? आर्केटाइप कहने का मतलब कोई ऐसी आप पुरानी चीज आप यूज करो, चाहे वो शब्द हो, चाहे परंपरा हो, चाहे कोई इवेंट हो, चाहे रिचुअल हो, आप अपने लिटरेचर में उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो जो कि आपके समय में उस चीज का उल्लेख नहीं हो रहा है, या आपके प्रचलन आपके समय में वो चीज बाहर हो चुकी है। समझ रहे हैं? मैं उसका अगर जो अपने लिटरेचर में जिक्र करता हूँ, और अगर जो मेरे लिटरे मेरे टाइम पीरियड के बारे में कोई आदमी जान रहा है तो आर्केटाइप माना जाएगा। अब जैसे अभी मोबाइल फोन आप कौन सा यूज करते हो, बटन वाला, इसमें कोई यूज करता है जिसमें बटन होते हैं, एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, ठीक, वो प्रचलन से बाहर हो चुका है अभी फिलहाल। अगर जो मैं अपना एक लिटरेचर लिखूं, मैं उसमें ये जिक्र करूं कि मेरे पास नोकिया का 1600 वाला मोबाइल है, मैंने उसमें टाइपिंग के लिए खटपट खटपट ये चीजें यूज की, मैंने वाई टाइप करने के लिए जो है फलाने की को, 9 वाली की को 4 बार दबाया, तब वाई जाके आया। अब ये चीज ये आर्केटाइप मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरे समय में इस समय जो है कीपैड का सिस्टम खत्म हो चुका है, सारा सिस्टम टच पे आ गया है। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए तुरंत तुरंत का बता दिया है, बात समझ रहे हैं? तो ये तुरंत तुरंत का नहीं होता है, ये 100 साल 50 साल पुरानी चीजें जब आप अपना लाके यूज कर देते हैं नए लिटरेचर में, तो वही जो है आर्केटाइप वर्ड माना जाएगा, आर्केटाइप इवेंट मानी जाएगी, आर्केटाइप करेक्टर माना जाएगा। अगर जो पुराने जमाने का कोई करेक्टर हो, आदर्श टाइप का या उस टाइप का हो, आप उसको दोबारा से, आप प्रचलन से वो बाहर हो चुका हो, आप उसको फिर अपने लिटरेचर में यूज कर रहे हैं, तो करेक्टर हो सकता है, इवेंट हो सकती है, समझ रहे हैं? ये चीज होता है आर्केटाइप। अब आर्केइज्म, आर्केइज्म का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब अब 10-5 लोग, या उस समय के तत्कालीन समय के लोग, या समझ लो मेरे ही टाइम के लोग, कुछ एक 10-5 लोगों का ऐसा एक समय चला कि ये फैशन सा बन गया कि पुरानी चीजों का हमको यूज करना है। अब जैसे अभी मान लो एक जो है 10-20-50 लोग फैशन सा बना लें कि नहीं मुझे जो है धोती ही पहननी है, मुझे पैंट शर्ट नहीं पहनने हैं, तो क्या अब आर्केइक चीजों का हमने एक वाद जैसे लगा दिया कि हाँ अब ये हम इसी का सपोर्ट करेंगे, हम पैंट शर्ट का नहीं सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं? या आप ओल्ड ओल्ड शब्द का ही यूज अपने लिटरेचर में कर रहे हैं, आपने कसम खा ली है कि अब हमको न्यू नहीं करना है, वो आपके साथ के 20-25 लोग और आ गए, आप उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी की खोद बिनोद लगाए हो, समझ रहे हैं? तो ये आर्केटाइपिकल जो है आपका वर्ड माना जाएगा। फिर वो कोई सिचुएशन आप पुरानी डाल रहे हैं तो वो माना जाएगा। तो एक आप ऐसे कहने का मतलब एक उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं तो वो इज्म हो जाएगा, वो आप उसको बोलोगे आर्केइज्म। अब और इसी में जो है जितनी भी चीजें बन रही हैं, अब एक चीज आपने समझ लिया, अब मैं देखो आपको बताता हूं कि कैसे इसका आप फर्दर यूज कर सकते हो। अब देखो आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म, क्रिटिज्म क्या होगा, तो कहने का मतलब क्रिटिज्म, जैसे मान लो आप क्रिटिक हो, अब आपका टोटल यही काम है, आपका क्या काम है, यही काम है कि जैसे मान लो कि आप मेरे समय के बारे में जानकारी रखो, और ये मेरे वर्क को पढ़ो, और ये बताओ कि ये देखो इस शब्द का यूज मेरे जमाने में या यशपाल सिंह के जमाने में इस शब्द का यूज नहीं होता है, और इन्होंने अपने वर्क में इसका यूज किया है,
तो वो क्या हो गया वर्ड, वो आर्केइक हो गया। तो जो आर्केइज्म, जो आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म है, तो आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म आपके लिटरेचर में सिर्फ वही देखती है कि जो आपके टाइम पीरियड के ना हो, उन चीजों का आप अपने जो है लिटरेचर में समावेश किए हो। और आर्केटाइप क्रिटिक, तो इस चीज को करने वाले को आप आर्केटाइप क्रिटिक कहेंगे। ये काम करना आर्केटाइपिकल जो है क्रिटिज्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? जो करेगा आप उसको क्रिटिक बोलोगे और उसके वर्क को क्रिटिज्म बोला जाएगा, समझ रहे हैं? कि नहीं समझ रहे हैं? सर, जैसे शेक्सपियर ने जूलियस सीजर प्ले लिखते वक्त उन्होंने वॉल क्लॉक का यूज किया था, जबकि जूलियस सीजर के किसका जमाने यूज में किया वॉल था? क्लॉक नहीं थी। क्लॉक का सर, हैं? वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक, दीवार अच्छा, घड़ी। वो से वो देखो आर्केटाइपिकल नहीं है, वो आर्केटाइपिकल नहीं है, वो एनाक्नोरिज्म है। एनाक्नोरिज्म नहीं है, उसको एनाचनोरिज्म, हम सिर्फ उसका मतलब स्पेलिंग याद करने के लिए मैं उसको एनाचनोरिज्म बोलता हूँ, बाकी उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। वो क्या चीज होती है जो आप बता रहे हैं, वो चीज नहीं है। उसमें आपने अब उल्टा बता दिया। अब जैसे वॉल क्लॉक जो होती है वो शेक्सपियर के जमाने में यूज होती थी, लेकिन जूलियस सीजर के जमाने में वो चीज यूज नहीं होती थी। तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि अपने जमाने की चीज को ले जाके जूलियस सीजर के जमाने में ठोंक दिया। तो ये आर्केइज में थोड़ा बोला जाएगा। आर्केइज में तो तब बोला जाएगा जब जूलियस सीजर के जमाने की कोई चीज आप जो एलिजाबेथन पीरियड में घुसेड़ दो, तो वो माना जाएगा आर्केइज में। और इन्होंने क्या किया, अपने जमाने की चीज को ले जाके घुसेड़ा है जूलियस सीजर में, तो ये आर्केइज में थोड़ा माना, ये तो एनाक्नोरिज में बोला जाएगा। कि उस टाइम तो वॉल क्लॉक होती ही नहीं थी जूलियस सीजर के जमाने में, तो आप वॉल क्लॉक का क्यों आप जिक्र वहां पे कर दिए कि जो है क्लियोपेट्रा बैठी है उसके पीछे वॉल क्लॉक लगी है, या जूलियस सीजर बैठा है उसके पीछे वॉल क्लॉक लगा है। बात हमारी आप समझे कि नहीं समझे? जी सर, अब कंफ्यूजन आर्केइज, में आर्केइज्म का क्लियर है मतलब होता सर। है पुरानी पुरानी चीजों को आप नए में ले आओ, और नई चीजों को आप पुराने में ढकेलेंगे तो वो बोला बोला जाएगा एनाक्नोरिज्म। एनाक्नोरिज्म का मतलब होता है काल गणना का भ्रम। बात समझ रहे हैं? अब देखो आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म, तो क्रिटिज्म में किस चीज का वर्णन होगा? जैसे आप क्रिटिज्म है, क्रिटिज्म जो है मतलब इस टाइप का, जो क्रिटिज्म का मतलब हो जाएगा जैसे अध्ययन, तो इसमें बताओ किस चीजों की चर्चा होगी? जैसे मैं बोलूं कि ये आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म की बुक है, तो आप वहां क्या पाओगे? जैसे मैं बोलूंगा ये जूते की दुकान है, तो वहां आप क्या, आपको क्या मिलेगा? जूता मिलेगा। मैं बोलूंगा ये कपड़े की दुकान है, वहां पे आपको कपड़ा मिलेगा। मैं बोलूंगा ये आर्केटाइपिकल क्रिटिज्म पे आधारित बुक है, तो इस बुक में तुमको क्या मिलेगा? आर्केटाइप तुमको वर्ड मिलेंगे, आर्केटाइप तुमको सिचुएशन मिलेगी, आर्केटाइप तुमको करेक्टर मिलेंगे। बात समझ में आई? आर्केटाइप क्या होता है वो समझ में आया? अच्छा ये बताओ इसमें किन किन को नहीं समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो आप बोलिए। अब एक चीज ये भी ध्यान देना, इसका मैं अब टेस्ट भी लूंगा, जो है हफ्ते में एक बार जो है इसका आपका टेस्ट लिया जाएगा, और ओरल टेस्ट होगा। तो अगर जो आप न जान पाए हो तो अभी पूछ लेना, और अगर जो ओरल टेस्ट में अगर जो आप नहीं बता पाएंगे तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, और हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसका परिणाम क्या होता है वो आप जानते हो। तो अभी जिसको पूछना हो आप पूछ सकते हो। ये सर आर्केज में बता सबको दीजिए समझ मैं में आ, फिर से। नहीं आर्केज में सबको नहीं समझ में आया, जैसे आर्केज में मैं आपने क्या नहीं समझा वो चीज आप बताइए, ना ज्वाइन किया समझने हूँ वाले सर। और को। अच्छा, तो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। और कोई भैया के अलावा कोई नहीं समझ में पाया हो? इन सर के अलावा और किसी को ना समझ में आया हो? चलो कोई ना। हाँ भैया, आप आर्केइज में का मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे आप हमसे सीनियर हैं, ठीक? तो आपके जमाने में कौन सी ऐसी परंपरा होती थी जो मेरे जमाने में नहीं होती? आपको ये ऐसी परंपरा हमको बताओ। जैसे आपके जमाने में जब शादी वादी होती थी तो उसमें किन चीजों का यूज होता था, जो अब हमारे जमाने में वो चीजें चेंज हो चुकी हैं? जैसे जब आप बचपन में रहे होंगे तो शादियों जी में कौन सी ऐसे जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप देखे होंगे जो आज आप नहीं देख रहे हैं, कुछ ऐसा आप जिक्र बताओ हमको।
व्यवहारिक उदाहरण से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब पहले शहनाई होती थी, अब शहनाई नहीं होती है। हाँ वो तो सपोज आप दो गांव में यूज है? करते थे कहीं कहीं, हाँ जैसे शहनाई तो आज सपोज नहीं, सपोज आप कर लो कि शहनाई आज के जमाने में यूज नहीं होती, सपोज कर लो, आप मान लो ठीक, कि जैसे मान लो कि आज के 1960 के दशक में शहनाई यूज होती थी, आज शहनाई यूज नहीं होती थी, ठीक है। या आप एक जी चीज हमको याद आ गया, आपने देखा होगा शादी वादी में पुराने जमाने में वो घोड़ा एक काठ का बनाया जाता था, जी काठ का घोड़ा बनाया जाता था, लकड़ी का घोड़ा, लकड़ी के घोड़े के बीच में एक आदमी घुस जाता था और वो डांस करता था, ठीक। वो एज ए आप जी उसको जो है पपेट पपेट डांस समझ सकते हो, वो चीज आज के समय में शादी वादी में नहीं होती है, पुराने जमाने में वो होती थी, ठीक है। तो अब अगर जो उस चीज को मैं आज के समय में अपनी शादी में, जैसे मान लो मेरी शादी होने वाली है, मैं उसमें उस चीज का अरेंजमेंट करता हूँ, तो वो कठघड़वा का जो नाच जिसको बोला जाता है, वो आरके आरके टाइपिकल मेरा वर्क माना जाएगा, ये आरके टाइपिकल जो है वो डांस माना जाएगा। मत करो, गिर जाएगा, मत करो। बात समझ, आप बात समझे कि नहीं समझे? जैसे समझ रहे कोई हैं, ऐसी समझ चीज रहे है जो पुराने हैं। जमाने में शायद होती थी, आज नहीं होती है, जी लेकिन मैं उसका आज के समय में यूज कर लूं। अब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि एक उस टाइप का जूता बनता था कि जिसमें लोग तेल डाल के पहनते थे, जी आज के जमाने के जूते में आप ऐसे डायरेक्ट पैर डाले आप पहन लिए, ऐसा नहीं था। बाबा वाबा हमने देखा है कि वो जूते होते थे, स्पेशल जूते होते थे, कहीं रिश्तेदारियों में जाने होते थे तो उसमें पहले तेल डाला जाता था, तेल डाल के रात भर जी उसको भिगोते थे, तब सुबह उसको पहन के जाते थे। अब वो जी वाला जूता मैं आज के डेट में पहनूं तो आर्केटाइपिकल शूज माने जाएंगे। बात समझ रहे ठीक हैं? है सर। सर हाँ जैसे खड़ा हो, सर जैसे खड़ा हो हाँ जैसे बोलते हैं। हाँ हाँ खड़ा हो गया, चलो बहुत बढ़िया, खड़ा हुआ आप लोग समझ गए हैं। अब आप समझो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या चीज होती है। देखो कोई भी चीज जो बनी है साहित्य में, ऐसा नहीं कि रातों रात बन गई है, आपके सामान्य शब्दों से उसका जो है लेना देना है। अब एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण, तो वातावरण में क्या, वातावरण क्या चीज होता है, वातावरण आप उसके उसको बोलते हो जहां आप हैं उसके किनारे का जो परिवेश है, मतलब अगल बगल का जो क्षेत्र है उसी को बोला जाएगा वातावरण, ठीक। अब आपका सर मैं थोड़ी वातावरण, छूट मेरा गया, वात है? मैं थोड़ी क्या छूट चीज छूट गया, गया? मैं थोड़ी मिठोई, मिठोई कहाँ है? यही पे था सर। अच्छा, मिठोई जो है वो चीज होती है कि वो कहने का मतलब एक प्लाट कंस्ट्रक्शन करने के जो है, कहने का मतलब प्लाट बनाने के सिद्धांत को ही मिथोई बोलते हैं, समझ रहे हैं। प्लाट बनाने का जो सिद्धांत होता है कि किन नियमों के आधार पर, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के कुछ सिद्धांत होते हैं कि सबसे पहले आप जो है आग जलाओगे, फिर आप उसके ऊपर कढ़ाई रखोगे, कढ़ाई के ऊपर आप उसमें तेल डालेंगे, तेल डालने के बाद सब्जी डालोगे, आप एक सिद्धांत बना है कि अब इस सिद्धांत का अगर जो तुम उल्टा करते हो कि पहले कढ़ाई रख देते हो जमीन पे, उसके ऊपर तेल डाल देते हो, तेल डालने के बाद सब्जी डाल देते हो, तब उसके बाद उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर आप गैस चूल्हा रख देते हो, ठीक, पलट के, कि फ्लेम नीचे से नहीं लगने के बजाय डायरेक्ट जो है सब्जी में लगेगी, और उसके बाद तबान करते हो, तो तुमने उल्टा का पुल्टा कर दिया। अब क्या सब्जी बनेगी? सब्जी बनेगी नहीं, सब्जी जल जाएगी। तो ऐसे प्लाट का एक कंस्ट्रक्शन होता है, प्लाट आपको कैसे बनाना है, तो उसके सेट सिद्धांत होते हैं कि पहले ये चीज रहेगी, उसके बाद आपका ये चीज रहेगा, कहने, और वो चीज होता क्या है, वो एक्चुअली जो इवेंट होती है वो टाइम के आधार पर फिक्स की जाती है। तो प्लाट बनाने के सिद्धांत को ही आप इसको जो है मिथोई बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? चलो आ जाओ आप इस पे, एटमॉस्फेयर पे। तो देखो हम एटमॉस्फेयर आपको बता रहे थे कि जहां आप हैं वहां के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हो, अपना एटमॉस्फेयर बोलते हो। हमारा एटमॉस्फेयर कुछ दूसरा हो सकता है, आपका दूसरा हो सकता है, किसी तीसरे पर्सन का तीसरा हो सकता है। अब ये जो इस आप पढ़ रहे हो लिटरेचर, लिटरेचर में एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जैसे राइटर कोई वर्क किया, वर्क कर रहा है,
तो वर्क करने के साथ साथ वो अगल बगल उसके सिचुएशन का भी वर्णन करता है। अब जैसे अब उसको लिखना है स्कूल के बारे में, तो वो कहेगा कि बच्चा घर से निकला, इस जो है पीठ पे बैग लादा, और उसके बाद सकरी गली से होता हुआ निकला, और रास्ते में उसको हाईवे मिला, हाईवे पे किसी बुड्ढे ने उसको जो है रोड क्रॉस कराई, उसके बाद फिर से वो धान के खेत को पकड़ते हुए विद्यालय में गया। अब ये धान का खेत बताने की क्या जरूरत थी, सकरी गली बताने की क्या जरूरत थी, हाईवे बताने का क्या जरूरत था, स्कूल का बैग उसके पीठ में लादने का क्या जरूरत था? तो जरूरत ये है कि जब कहने का मतलब घटना के साथ साथ आप उसके सपोर्ट में एटमॉस्फियर मतलब वातावरण क्रिएट करते हैं, तो वो घटना आपकी और अच्छी और कहने का मतलब सुदृढ़ मानी जाती है, और वो प्रभावी होती है, पढ़ने के बाद आपके दिमाग पे और असर डालता है। बात समझ रहे हैं? तो जो घटना के अकॉर्डिंग टू आप ये वातावरण क्रिएट करते हो शब्दों के माध्यम से, उसी उसी को बोलते हैं एटमॉस्फियर। समझ रहे हैं? आप एक्शन के अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फियर क्रिएट करते हैं। अब जैसे कुछ के एटमॉस्फियर अपने अलग अलग होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने वेसेक्स में अपना वेसेक्स को ही पूरा एटमॉस्फियर अपना बना डाला। समझ रहे हैं? मालगुडी अपना कुछ मतलब नाम से कोई एक जो है अपना बना लिया, उसको जो है उन्होंने एटमॉस्फियर बना डाला, उसके बारे में दिखा रहे हैं। तो एक्शन के अकॉर्डिंग टू जो आप जो है मतलब अपने वर्क में अगल बगल का जो वातावरण सेट करते हो, उसी को एटमॉस्फियर बोला जाता है। ये चीज सबको समझ में आई? अब जैसे मुझे लव सॉन्ग लिखना है, ठीक, प्रेम वाला मुझे गाना लिखना है, तो प्रेम वाले गाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि मैं यहाँ प्रेम का गाना गा रहा हूँ, बगल में मेरा पड़ोसी तलवार लेके मार कर रहा है। तो प्रेम के गाना ये हो गया एक्शन, और उधर जो मैंने एटमॉस्फेयर सेट कर दिया कि तलवार से मार हो रही है, तो वो प्रेम के गाने को वो तलवार से मार क्या सपोर्ट कर रहा है? नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो अगर जो प्रेम वाला गाना है, तो मैं ये दिखाऊंगा कि चिड़ियां चहचहा रही हैं, नदियां बह रही थी, और उसके किनारे बैठ के मैं जो है अपना प्रेम वाला गीत गा रहा था। शाम का समय था या रेनी डे था, कहने का मतलब चिलचिलाती धूप तुम नहीं दिखाओगे। तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू, अब चिलचिलाती धूप तुम तो दिखानी है तो कहाँ दिखाओगे? युद्ध के मैदान में आप दिखाओगे, क्योंकि युद्ध डेंजरस चीज होती है। तो डेंजरस चीज के सपोर्ट में डेंजरस आप जो मतलब कहने का मतलब आप डेंजरस एटमोसफियर भी क्रिएट करते हो, तो चिलचिलाती धूप तुम दिखाओगे। बात समझ रहे हैं? अब जैसे आप क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े पहनते हो तो आप पहले अपना कलर देखते हो। जैसे आप सांवले हैं, तो आप आपके मन में होगा मैं पीले कलर का कपड़ा पहनूं या मैं सफेद पहनूं। समझ रहे हैं? या लोग कभी कभी क्या करते हैं कि अमूमन आपने महिलाओं में देखा होगा, जिस कलर की उनकी साड़ी रहेगी उसी कलर की वो सोचेंगे कि नेल पॉलिश में यूज करूं, उसी कलर की वो लिपस्टिक यूज करना चाहेंगे, या उसी कलर की वो आंखों में जो लगाती हैं क्या वो बैटरी बुक के जो आंखों में लगा लेती हैं, वो सोचेंगी कि उसका कलर भी वही हो। तो ये एटमॉस्फेयर का मतलब यही समझो आप, कि लेखक जो लिखता है उस एक्शन को और प्रबल बनाने के लिए अगल बगल का वो उसी के अकॉर्डिंग टू एक माहौल बनाता है, उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ गई? अच्छा, वो जो महिलाएं आंख में बैटरी बुक के लगा लेती हैं उसको क्या कहते हैं? हाय शेर सर, हाय। हाँ, चलो ये देखो, अब इसी एटमॉस्फियर को बताने के लिए दूसरा शब्द होता है मूड। जैसे मूड, जैसे कहते हैं ना आपका क्या मूड है, तो बताओगे मेरा हैप्पी मूड है, तो हैप्पी मूड है तो हैप्पी एटमॉस्फियर क्रिएट करोगे, तो एटमॉस्फियर बराबर मूड। और इसी का जो फ्रेंच फ्रेंच मूड का ही फ्रेंच टर्म क्या है, एम्बियंस। तो परीक्षा में अब तुमसे एटमॉस्फेयर नहीं पूछेगा, अगर जो उसको क्रिटिकल क्वेश्चन बनाना होगा, डिफिनेशन दे देगा कि किसकी डिफिनेशन दे देगा एटमॉस्फेयर की, अब तुमसे पूछेगा व्हिच इज नॉट, ऑप्शन में दे दिया गया एम्बियंस, मूड और एटमॉस्फेयर, और उसके बाद दे दिया गया एक और कोई डाल देगा, जैसे पेरिपिटी उसने डाल दी, और ऊपर से पूछ रहा व्हिच इज मिसमैच्ड, तो एटमॉस्फेयर बराबर मूड, मूड बराबर एम्बियंस, तीनों एक ही चीज है। मिसमैच क्या है, पेरिपिटी, अब तुमको पेरिपिटी पे टिक करना है। बात समझ रहे हैं? जैसे पेरिपिटी वो ड्रामेटिक डिवाइस हो गई आपकी, इससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको कठिन बनाना होगा तो ये दे देगा, या दो चीज दे दिया, तीसरा नन ऑफ दीज दे दिया व्हिच इज नॉट, तो आप पता चला कि नन ऑफ दीज पे आपको टिक करना है, क्योंकि तीनों चीजें एक ही है।
तो चाहे आप एम्बियंस बोलो, मूड बोलो, एटमॉस्फेयर बोलो, या अगर जो और कुछ क्वेश्चन उसको बनाना होगा तो एम्बियंस इज ए वर्ड, एम्बियंस इज ए वर्ड ऑफ, फ्रेंच वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है, बात समझ रहे हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि फ्रेंच वर्ड है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर का मतलब यही होता है कि कोई काम आप करो तो काम के अकॉर्डिंग टू आप माहौल सेट कर दो। कि जैसे नेताजी आने वाले हैं, तो नेताजी का जब भाषण होता है तो गांव से पब्लिक बुलाई जाती है कि चलो वहां दिखाना है कि हाँ नेताजी आ रहे हैं, तो 1,000 की संख्या, 2,000 की संख्या वहां दिखनी चाहिए। सफेद कपड़ा, नेताजी हैं तो सफेद कपड़ा पहनेंगे, तो सफेद कपड़ा मैं भी पहनूंगा। हरे रंग का उन्होंने गमछा डाला है या भगवा कलर का उन्होंने गमछा डाला है, तो मैं भी भगवा हरा रंग का जो है गमछा डालूंगा। तो ये हो गया एक्शन के अकॉर्डिंग टू आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब एक आप भगल बना रहे हो अपनी, समझ रहे हैं? भगल का तो मतलब सिर्फ जो है फिजिकल अपीयरेंस से हो गया, एटमॉस्फेयर में जो है आपकी कुछ एब्स्ट्रैक्ट थिंग भी आ जाती है। अब ये बताओ एटमॉस्फियर, मूड, एम्बियंस, ये किसको नहीं समझ में आया? तो ये चीज दिमाग में जरूर रखिएगा कि इसका ओरल टेस्ट भी होगा। तो कोई चीज छूट रही है यहाँ पे? आथर, आथरशिप या इस टाइप की कोई, इससे पहले कोई चीज छूट रही है? बुक, बुक था क्या? ओल्ड वाली बुक में बुक था, बुक फॉर्मेट। चलो कोई ना, देखो आथर, आथरशिप क्या होती है? आथर का मतलब वर्क को क्रिएट करने वाले को आप आथर बोलते हैं। अब आथर आपका जो है कॉमन जेंडर का वर्ड है। कॉमन जेंडर कहने का मतलब, खैर जाने दो, कॉमन जेंडर ये भी चर्चा का विषय नहीं है। आथरशिप कहने का मतलब कोई आथर जब वर्क लिखता है तो उस वर्क पे उसकी शिप हो जाती है। कहने का मतलब वो उससे रिलेटेड हो जाता है, वही होती है आथरशिप। यहाँ पे कुछ ज्यादा आपके समझने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सके, वो आपको आपके परीक्षा के लिए बड़ा ज्यादा उपयोगी हो। अच्छा, ये सब कुछ कैसे मुझे पता चल जाता है कि परीक्षा के लिए ये चीजें उपयोगी हैं कि नहीं उपयोगी हैं? ये देखने के बाद मैं कैसे जान जाता हूँ? मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि ब्रह्मा जी ने मुझे विशेष आशीर्वाद दिया है? कैसे मैं पता लगा लेता हूँ? तो ऐसे मैं पता लगा लेता हूँ कि जैसे ये देखो बैलड, अब इसको बताने की जरूरत है। बैलट, पॉपुलर बैलट, अब जितने ये बोल्ड कलर की चीज आपकी बुक में दी गई है, समझो वो इंपॉर्टेंट है। अगर जो वही समझो पॉइंट है, परीक्षा में क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, समझ रहे हैं? अब उसमें ज्यादा हमको कोई आथर, आथरशिप के अलावा दिखा नहीं। आथर, आथरशिप आप समझ रहे हैं, तो वो सब सारी चीजें स्किप ही कर देना बेहतर था। तो वो चीजें हमने छोड़ दी। आथर और आथरशिप का मतलब आप समझ ही गए। आथर का मतलब लेखक, और जो कोई वो वर्क करता है उस पर उसका स्वामित्व होता है, तो वो उसकी आथरशिप उसको बोली जाती है। अब आ जाओ बैलेट। बैलेट क्या चीज होता है? पहली चीज, बैलेट के दो तीन नाम हैं, वो आप उनसे रूबरू हो लो। बैलेट होता है, सॉरी, बैलेट है, और एक होता है पॉपुलर बैलेट। ठीक, पॉपुलर बैलेट को ही बोलते हैं फोक बैलेट, और फोक बैलेट को ही बोलते हैं ट्रेडिशनल बैलेट। ये अभी छोड़ दो इनको। पॉपुलर बैलेट बराबर फोक बैलेट, और फोक बैलेट बराबर ट्रेडिशनल बैलेट, तीनों एक ही चीज है। ये तीनों एक ही, कहने का मतलब एक दूसरे के, इनको आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं। अब बैलेट आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक लिटरेरी बैलेट होता है और दूसरा आपका पॉपुलर बैलेट, आपका जो है ट्रेडिशनल बैलेट, या जिसको फाक बोलते हैं। तो फाक शब्द अगर जो तुमको कहीं मिल जाए, तो फाक शब्द मिल जाए पूछा, तो उसका सीधा सा मतलब ये समझ लेना कि ओरली ट्रांसमिटेड फैशन को या ट्रेडिशन को अब ये फॉलो करेगा। अब फाक बैलेट, अब बैलेट के सामने फाक लग गया, तो मतलब ऐसा बैलेट जो ओरली ट्रांसमिट होगा। ओरली, ओरली ट्रांसमिट होने का कहने का मतलब जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लिखित रूप से नहीं जाएगा। जैसे मान लो मैंने अपने पापा से कोई बैलेट सुना, ठीक, मस्ता के वो गाना शुरू कर दिए, तो मैं भी सुनते सुनते मुझे भी याद हो गया, मैं भी उसको गाना शुरू कर दिया, सुनते सुनते मेरा लड़का भी वही शुरू कर दिया, तो ये फाक ट्रेडिशन बोला जाएगा। कहने का मतलब पापा से हमें आया, हमसे जो है हमारे लड़के में गया, हमारे लड़के से और आगे जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो अगर जो ऐसी परंपरा है जो लिखित रूप से नहीं गई हो, अब जैसे
फाक चीज कब जो है आपका लिटरेरी बन जाता है, जैसे हमारे पापा जो है कोई बैलेट गए, अब मैं उसको लिख डाला, अब ये चीज जब लिखित आगे बढ़ गई तो इसी चीज को फिर लिटरेरी बैलेट बोला जाएगा। कहने का मतलब फाक बैलेट भी कभी 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 क्या ज्यादातर वो जो है लिटरेरी बैलेट वही आगे जो है चल के बन जाते हैं, जब उनका कहने का मतलब किसी लिटरेरी पर्सन द्वारा उनको जो है राइट करके वो चीज आगे बढ़ा दी जाती है। अब लिखित रूप में आप आगे बढ़ा दो, वही फाक बैलेट तुम्हारा लिटरेरी बैलेट बोला जाएगा। ये चीज समझ में आई? समझ में आई। अब ये समझ लो बैलेट होता क्या है, बैलेट क्या होता है? कुछ बताएंगे? देखो बैलेट क्या होता है वो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, हमको भी बताने की जरूरत नहीं, आपके बुक में लिखा गया है। सांग होता है, गीत होता है। कैसा गीत होता है? ओरली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अभी भी इसकी परिभाषा भाई ओरली ट्रांसमिट तो कई सांग होते हैं, भजन भी तो ओरली ट्रांसमिट होता है, तो जितने भजन हैं सब बैलेट तो हो नहीं जाएंगे। तो अब उसमें देखो अगली चीज क्या जोड़ी जाएगी, टेल से स्टोरी। तो ये क्या करता है, एक आपको कहानी सुनाता है। कहने का मतलब सांग है, ओरली ट्रांसमिट होगा और कोई कहानी सुनाएगा, उसमें एक कोई कहानी रहेगी, समझ रहे हैं, और वो थर्ड पर्सन की कहानी रहेगी, और उसके साथ साथ गाने वाला फिजिकल मूवमेंट भी करता है। फिजिकल मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि इसको गाने की परंपरा ये किसी कोई ज्यादातर ये हीरोइक डीड्स पे होते हैं, किसी बहादुरी के कारनामे का जो है जिक्र किया जाता है। तो जब किसी के बहादुरी का आप वर्णन करेंगे तो जाहिर सी बात है बॉडी मूवमेंट तो तुम में आना स्वाभाविक चीज हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये होता है आपका बैलेट। अब इसमें देखो आगे और बता रहा है, ये नैरेटिव स्पीसीज की होती है। आप फाक सांग मतलब फाक सांग के नैरेटिव स्पीसीज की होगी। नैरेटिव स्पीसीज कहने का मतलब इसका नैरेशन दिया जाएगा, कोई इसको बोलेगा। एक देखो स्टाइल दो होती है, एक होती है ड्रामेटिक स्टाइल और दूसरी होती है नैरेटिव स्टाइल। तो नैरेटिव स्टाइल क्या होती है? नैरेटिव स्टाइल वो होती है जिसमें एक सिंगर या एक स्पीकर खड़ा होकर किसी कहानी को गाता है। और ड्रामेटिक स्टाइल क्या होती है? ड्रामेटिक स्टाइल वो होती है जब उसी गाने को, अब जैसे मैं एक गाना गाऊं कि राम ने श्याम को पीटा, श्याम ने राम को पीटा, दोनों आपस में लड़ मर गए, ठीक, ये हो गया नैरेटिव। अब ड्रामेटिक किसी को मुझे बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, राम नाम का एक करेक्टर बना दूंगा, श्याम नाम का दूसरा करेक्टर बना दूंगा। अब उसके बाद स्टेज पे खड़े हो, दोनों मारपीट कर लेंगे, ये चीज हो गई ड्रामेटिक। तो ड्रामेटिक में क्या चीज आपको डिफरेंट मिली कि अब वही चीज मैं करेक्टर के वो मैं बोल, अब वो नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि राम ने श्याम को मारा, श्याम ने राम को मारा, अब मेरी कोई जरूरत नहीं, राम श्याम मैंने दो करेक्टर बना दिया, दोनों आपस में लड़े मरे, समझ रहे हैं। अब उसमें बोलने वाली कथा खत्म, जो बोलेगा कौन बोलेगा, राम अपना चीज बोलेगा, श्याम अपना चीज बोलेगा, मेरी वहां कोई जरूरत नहीं, बात समझ रहे हैं। अब इसको आप और इजी वे में समझ सकते हो, नैरेटिव स्टाइल और ड्रामेटिक स्टाइल। जैसे आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत को दो लोग देख रहे थे, एक था बर्बरीक, बर्बरीक इसमें हो सकता है कुछ लोग उसको न जानते हों, दूसरे थे संजय। संजय क्या थे? संजय धृतराष्ट्र के पास बैठे थे, तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। दिव्य दृष्टि क्या मिली थी कि बिना बैटल फील्ड पे गए, कहने का मतलब संजय को दूरदर्शन समझो कि बिना बैटल फील्ड पे गए वहां की चीजों को वो देख करके जो है धृतराष्ट्र को बताते थे। तो बर्बरीक क्या था? बर्बरीक एक ऐसा इंसान था कि जिसका सिर काट के एक ऊंचे स्थान पे उसका रख दिया गया था, सिर कटने के बावजूद भी वो जिंदा था। अब वो टेक्नोलॉजी आप हमसे न पूछना कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई थी, तो वो डायरेक्ट देख रहा था। अब बर्बरीक देख के कोई चीज का अगर जो डायरेक्ट आपको वर्णन कर रहा है या बर्बरीक बता रहा है तो वो भी नैरेटिव स्टाइल माना जाएगा। संजय जो बता रहे हैं संजय की भी स्टाइल नैरेटिव मानी जाएगी। लेकिन अगर जो वही चीज मैं डायरेक्ट क्या कि जैसे अर्जुन ने मतलब अर्जुन का अब सॉरी जैसे डायरेक्ट अगर जो अर्जुन के संवाद अर्जुन ही बोले, भीम के संवाद भीम ही बोले, मैं वहां खड़ा होके देख रहा हूं, मुझे न बर्बरीक की जरूरत है न संजय की जरूरत है, तो ये चीज ड्रामेटिक हो गई, बात समझ में आ गई। और यही चीज फिक्शन को और ड्रामा को अलग करती है। जैसे फिक्शन नावल में भी आपने देखा होगा वहां भी करेक्टर होते हैं, वहां भी डायलॉग्स होते हैं, ड्रामा लिखी जाती है, वैसे तुम्हारा फिक्शन लिखा जाता
तुम्हारे पास एक उपन्यास कोई रखी हो, आप उसका एक पेज खोलो, ड्रामा हो एक पेज आप उसका खोलो, देखोगे कि करेक्टर उसमें भी है, करेक्टर आपके ड्रामा में भी है, जैसे वहां बोला जा रहा है वैसे यहाँ बोला जा रहा है। लेकिन उपन्यास को क्या होता है, कोई तीसरा आदमी बोलता है, तीसरा आदमी शुरुआत में उसका देगा, उसमें डायलॉग बल्कि करेक्टर को बुलवाया जाता है, और इसमें ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा में करेक्टर डायरेक्ट बोलता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? नैरेटिव और ड्रामेटिक स्टाइल में अंतर आपको पता चला? बताओ। दोबारा से बताने की जरूरत है इसको कि आगे बढ़ा जाए? जी आगे का करा चलो। दीजिए। तो अब ये जो आपका बैलेड है इसमें क्या रहेगा, सांग रहेगा, ओरली ट्रांसमिट रहेगा, एक स्टोरी इसमें रहेगी, और वो स्टोरी नैरेटिव वे में कही जाएगी। समझ रहे हैं? ये चीज इसमें आपको जो है देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? अरे सॉरी, क्या समझे? ये चीज जो है इतनी बैलेड में होनी चाहिए, और प्लस किसी किसी बुक में आपको ये डांस सांग के रूप में मिलता है, तो हालांकि वो भी गलत नहीं है, इसमें डांस वाली चीज समाहित नहीं की गई है, तो हो सकता है वो उतना मैं उसको स्टैंडर्ड भी नहीं मानता हूँ, लेकिन बाय द वे अगर जो परीक्षा में आ जाए तो इसमें आप एक डांस वाला भी ऐड कर लीजिएगा कि डांस सांग भी हो सकता है आपका बैलेड। ये चीज आपकी होगी। अच्छा दूसरा दूसरी चीज अब आपके सीखने, आपने क्या बैलेट सीखा, ट्रेडिशनल बैलेट सीखा, फॉक बैलेट सीखा, समझ रहे हैं, और लिटरेरी बैलेट आपने सीखा, दोनों में अंतर आपने सीखा, ठीक है। अब आप बैलेट स्टेंजा दे रहे हैं, बैलेट स्टेंजा क्या होता है, क्वार्टरेन होता है, क्वार्टरेन का मतलब उसमें बैलेट स्टेंजा के एक स्टेंजम कितनी लाइन होगी, 1 2 3 4 लाइन, ठीक। अब वो 4 लाइन ऐसी, हर 4 लाइन को आप बैलेट स्टेंजा नहीं बोलेंगे, देखो उस खेल है। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव कहने का मतलब ये और उसके बाद ये सेम नहीं होगा, अल्टरनेटिव 4 एंड 3, मतलब पहली लाइन पे 4 स्ट्रेस तुमको मिलेंगे, स्ट्रेस का सिंबल ये होता है, इस पे 4 स्ट्रेस, फिर दूसरी लाइन पे क्या मिलेगा, 3 स्ट्रेस, 1 2 3, 3 स्ट्रेस, फिर अगली लाइन पे फिर 4 स्ट्रेस, फिर अगली लाइन पे फिर 3 स्टेस। अब ये इतने को आप बैलेट स्टेंजा बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये होता है आपका बैलेट स्टेंजा। दूसरी चीज, इन्होंने बैल आए हैं, जैसे हमने खाना बनाया आपको बताया कि हमें इतनी इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है, जैसे सब्जी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक, रोटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है आग की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ चीजें जो एकदम बेसिक हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बैलेट लिखने में भी आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है ज्यादातर, मतलब ये आपके बेसिक एलिमेंट है। पहली चीज तो क्या, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेज, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेज, हमने आपको बताया था कि स्टॉक शब्द कहीं भी मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो चीज बार बार जो है रिपीट होगी पूरे इवेंट में, पूरे बैलेड में, पूरे ड्रामा में, जैसे स्टॉक करेक्टर, तो ऐसा करेक्टर जो स्टेज पे बार बार आएगा, स्टॉक एक्शन, तो ऐसा एक्शन जो स्टेज पे बार बार घटित होता होगा। अब यहाँ क्या, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेज कहने का मतलब ऐसा डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेज जिसका यूज तुम बार बार करो बैलेट में, उसको आप बार बार दोहराएंगे, बार बार आप उसका बोलेंगे, तो इसमें एक बैलेट में एक परंपरा क्या है कि आप यूज करेंगे स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेज। अब देखो कुछ फ्रेजेज के इन्होंने उदाहरण दिए हैं, जैसे ये ब्लड रेड वाइन, आप कोई भी बैलेट उठाओ थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का, आप उसमें देखेंगे ये सब चीजें आपको मिलेंगी, ये फ्रेज आपको वहां कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, या
मिल्क व्हाइट स्टेड, ये भी एक जो है इसी कहने का मतलब इसका फ्रेज है, ये भी फ्रेज आपको वहां बार बार मिलेगा। जैसे तुमने रामायण का पाठ कराया होगा तो कुछ वहां ऐसी लाइन होती हैं, आप उसको स्टॉक लाइन से बोल सकते हैं, स्टॉक कपलेट बोल सकते हैं। तो थोड़ा दूर पढ़ने के बाद फिर इसी को फिर दोहराते हैं, फिर कुछ दूर पढ़ेंगे फिर दोहराएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर दोहराएंगे, वही सेम सिचुएशन यहाँ होती है। ये जो फ्रेज होते हैं इनका पूरे बैलेट में बहुत ज्यादा यूज होता है, समझ रहे हैं? और ये बहुत ज्यादा यूज क्यों होता है, इम्फेसिस के लिए यूज होता है, अपनी बात को जोरदार कहने एक तरीके से होता है, रिम राइम मिलाने के लिए इनका यूज होता है, बात समझ रहे हैं? ये चीज अभी आपको ग्रामर में भी मिलेगी जब मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें नीड और डेयर मॉडल में जब आप पहुंचेंगे तो मैं वहां दिखाऊंगा कि सिर्फ कभी कभी ग्रामेरियन उसमें जो है स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए उन्होंने ग्रामर की ऐसी की तैसी कर दी। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी में तुमने देखा होगा, किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी में ईडी नहीं लगता है, समझ रहे हैं? लेकिन डेयर एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी कुछ में ईडी भी लगाए हैं। अब क्यों लगाए हैं? सिर्फ स्ट्रेस मेंटेन करने के लिए, और वो भी उसको इनकरेक्ट आप नहीं मानोगे, वो आपकी रेन मार्टिन के बुक में दी गई है। चलो दूसरी चीज इसमें क्या होती है, दूसरी चीज होती है रिफ्रेन का स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस। तो फ्रेजेस आपके दो फ्रेजेस यहाँ दिए गए हैं, ठीक, दो फ्रेजेस को आपको रखना है। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, रिफ्रेन होगा बैलेट में। एक मिनट रुक जाओ, उनको गंदगी साफ। पहला ये होना इवेंट क्या है आपका, स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस ये होनी चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा ये होना चाहिए रिफ्रेन। क्या होता है रिफ्रेन आपका, एक स्टैंजा होता है, समझ रहे हैं? इसको आप स्टैंजा भी बोल सकते हैं, रिफ्रेन आप इसको एक जो है लाइन बोल सकते हैं। अब ये जो है आपका, ये भी जो है वही इंक्रीमेंटल रिपीटेशन, कहने का मतलब ये बार बार घटित होने वाली चीज होती है रिफ्रेन, ये बार बार घटित होने के लिए बनाया जाता है। दूसरी चीज अब आपको देख, अब आपको ये बताऊंगा इंक्रीमेंटल रिपीटिशन। इंक्रीमेंटल रिपीटिशन क्या होती है, इंक्रीमेंटल रिपीटिशन भी रिपीट होने वाली चीज होती है, लेकिन इसी रिपीट होने के दम पे आपकी कहानी आगे बढ़ती है, और ये कुछ पिछली चीज को अगली चीज से जोड़ता है। ये जोड़ता क्यों है, सिर्फ आप बोलने वाले की तारतम्यता बनी रहे, और जोर से बोलने कहने का मतलब जो इसमें बड़े जोश के साथ कहने का मतलब बड़े तेज लाउड वॉइस में, जो वॉइस में आपकी वॉइस टूटे ना, इस वजह से जो है अगली अग मतलब कहने जो है चीज को नेक्स्ट लाइन में जो है जोड़ा जाता है, कि जिससे जो है उसका जो बोलने का फ्लो उसका ना टूटे, वो जोश उसका बरकरार रहे, समझ रहे हैं? हालांकि ये चीज रिफ्रेन और ये इंक्रीमेंटल रिपीटिशन दोनों आपको एक जैसे लगेगा, इसमें आप कंफ्यूज रहेंगे तो ये आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसको जब मैं लाइन में दिखा के आपको पैरेलल नीचे ऊपर रख के दिखाऊंगा कि देखो ये इसको रिफ्रेन बोलते हैं और ये सिचुएशन बनेगी तो इंक्रीमेंटल रिपीटिशन इसको बोलते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा, अब आज इसको यहीं तक रखा जाए। एक चीज इसमें और बताने वाली है, वो भी आप जरा इसको देखते चलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बताओ। सर रिफ्रेन आवाज और आपकी आई है, स्ट्रिप्ट में क्या क्या अंतर होता चीज, रिफ्रेन और इंक्रीमेंटल रिपीटिशन में सुन पा है? रहे हैं आप हमको? स्टॉक सर स्टॉक और रिफ्रेन में क्या फर्क है? रिफ्रेन और स्टॉक में, यस सर, यस सर। देखो स्टॉक स्टॉक डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस होते हैं, वो आपके एक सेट फ्रेजेज होते हैं। रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन आपका उसकी तुलना में उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, वो रिफ्रेन ज्यादातर आपकी एक लाइन बनती है, समझ रहे हैं? वो छोटे फ्रेजेज नहीं होते हैं, रिफ्रेन एक लाइन बनती है। तीनों का मैं जब कल आपको क्लियर नीचे ऊपर रख के दिखाऊंगा कि हाँ ये देखो है, इसका ये वर्क है, समझ रहे हैं? सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। ये देखो सर रिपीटेशन, ये आपकी इसने, अब बार देखो आ बार जाओ आते ब्राउन हैं? साइड बैठे, नहीं आ रही नो सर। तो ये वॉइस ज्यादा है।
वॉइस आप ज्यादा देर से हमारी नहीं सुन पा रहे हो। हेलो, वॉइस आप ज्यादा देर से नहीं सुन पा रहे हैं। सर अभी नहीं आई थी अरे बस सर जब आप बता रहे थे कि नहीं, क्लास चल पाएगी कि नहीं आप हमको ये बताओ। जैसे सुनने लायक हो तो आगे बढ़ाया जाए, ना सुनने लायक हो तो इसको बंद किया जाए। आप हाँ या ना में आप आंसर करो। आप हमको सुन पा रहे हैं? अब ठीक है विनोद सर। जी हैं? यस अब ठीक सर। है? सर ऐसे इतना तो ही रखना चलिए गायब आज। चलो, वो तो खैर नेटवर्क है, वो हमारे बस में नहीं है। चलो, इसमें दो चीजें और हैं, यही बता के हम बंद करते हैं। देखो, एक होता है ब्रॉड साइड बैलेट और दूसरा होता है लिटरेरी बैलेट। आवाज तो अब तो जा रही होगी क्लियर। देखो, ब्रॉड साइड बैलेट, ये बैलेट का कोई जो है वो नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं होता है। ब्रॉड साइड बैलेट ऐसा एक बैलेट होता है जो ब्रॉड साइड पेपर पे लिखा जाता है। एक्चुअली ये ब्रॉड साइड क्या है, ब्रॉड साइड पेपर की साइज है, ठीक। और इसमें सिंगल ब्रॉड साइड का एक पेपर होता है और उसके सिंगल साइड पे सिर्फ लिखा जाता है, एक ही तरफ लिखा जाएगा। अब जैसे तुमने देखा होगा कि कभी अलका याग्निक गाना गाती हैं स्टेज पे, तो स्टेज पे उनके सामने एक जो है वो होता है स्टैंड जैसे होता है, उस स्टैंड पे एक डायरी लगी होती है, समझ रहे हैं। तो डायरी पे वो क्या करते हैं, वो गाने के लिए वो एक गाना गाते हैं, देख के उसी से गाते हैं, उसके बाद पन्ने पलटते हैं। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे होती है कि जैसे उनको जो है बैलेट गाने हैं, गाने के लिए उन्होंने चार ब्रॉड साइड पेजेस के यूज किए और उस पे उन्होंने लिख लिया, तो उस पे वो एक साइड पे ही लिखते हैं, पेज पलट के उसके पीछे नहीं लिखते हैं। एक साइड पे लिखेंगे, वो गाएंगे, उसको फिर नीचे रख देंगे, फिर गाएंगे, फिर नीचे रख देंगे। पेज पलट के स्टेज पे देखना वो बड़ा अनुचित सा वहां माना जाता है, इसलिए वो परंपरा नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा ब्रॉड साइड बैलेट क्या है, तो कोई भी बैलेट जिसको आप ब्रॉड साइड पेपर पे लिख दो वो ब्रॉड साइड जो है बैलेट आपका बोला जाएगा। बात समझ रहे हैं। लिटरेरी बैलेट, कोई भी बैलेट जिसका इमिटेशन जो है लिटरेरी पर्सन द्वारा कर दिया जाता है वो बैलेट आपका लिटरेरी बैलेट हो जाता है। वॉइस आप लोगों को मिल रही है कि कट गई? सुन पा रहे आ हैं तो रही है आप सर, बताओ। पूरा आ रही है, आ रही हाँ, है। तो अब हाँ, तो ब्रॉड साइड बैलेट आपको कुछ समझ में आया? जी सर। चलो, नहीं बोले तो इसको आ गया। चलो ठीक है, कहते हैं हम जो है कल को किया जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू भाई। वेलकम।